वैशाली लोकसभा क्षेत्र में आज चुनाव हो रहा है और यदि नक्सल प्रभावित इलाके की हम बात करें तो 3 विधानसभा क्षेत्र साहेबगंज जहां पर अभी हम खड़े हैं, मीनापुर और पारू के 186 बूथ संवेदनशील माने गए हैं और नक्सल प्रभाव वाला चिन्हित किया गया है। यहां पर काफ़ी मात्रा में फोर्स वगैरह की तैयारी की गई है, लेकिन एक तरह से कहा जाए तो बुलेट पर भारी पड़ा बैलेट। आप कतारबद्ध लोगों को देख सकते हैं, इतनी चिलचिलाती धूप में भी महिला और पुरुष सभी की लंबी कतारें हैं। जी बताइए क्या स्थिति है यहां पर? तो नक्सल इलाका है, स्थिति तो सब ठीक है। वोट गिरा रहे हैं आप? हाँ, वोट गिरा रहे हैं। यही है कि धूप है, इतना कड़ा धूप है, लेकिन लोगों में उत्साह की भी कमी नहीं है। सभी लोग उत्साहित हैं और प्रशासन की भी चौकस व्यवस्था है। आप देख चलते हुए किस तरह से प्रशासन की भी चौकस व्यवस्था है, पूरी तरह से प्रशासनिक तैयारी की गई, यानी कि नक्सल प्रभाव को चिन्हित करते हुए प्रशासन भी काफी सक्रिय है। हमारे साथ अधिकारी हैं, उनसे हम बात करते हैं क्या स्थिति है, किस तरह से तैयारी है सर, चूंकि नक्सल प्रभावित इलाका है यहाँ। इस नक्सल प्रभावित इलाके में मतदान शाम के 4 बजे समाप्त होना है, इसके लिए पर्याप्त संख्या में बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। सेक्टर स्तर पर, जोनल स्तर पर, सुपर जोनल स्तर पर पैरामिलिट्रीज फोर्सेज का डिप्लॉयमेंट सारे बूथ पे किया गया है ताकि जनता भयमुक्त होकर अपना मतदान करे। इसके पूर्व में जिलाधिकारी महोदय के सानिध्य में हर जगह फ्लैग मार्च भी हुआ है, जनता में विश्वास के प्रति और अपराध के विरुद्ध में अपना विश्वास जगाने के लिए। जनता काफ़ी अच्छे तरीके से मतदान कर रहे हैं, शांतिपूर्ण निष्पक्ष मतदान अब तक संभव हुआ है। कहीं पर कुछ इस तरह नहीं, का कोई अभी कहीं किसी प्रकार की कोई किसी प्रकार की शिकायत नहीं आई है। आप देख सकते हैं अधिकारी भी काफ़ी चुस्त दुरुस्त हैं और चीता दस्ता का भी लगाया गया हुआ है, एसटीएफ की टीम लगाई गई है और नक्सल प्रभावित इलाके में काफ़ी प्रशासन की सक्रियता है और लोगों में भी उत्साह है। आप देख रहे हैं स्पष्ट रूप से लोग भी कतारबद्ध हैं और पूरी लाइन में लगे हुए हैं, महिला और पुरुष दोनों निर्भीक होकर के मतदान कर रहे हैं। यानी एक तरह से कहा जाए तो कहीं भी कुछ नक्सल का प्रभाव या उसके थ्रेटनिंग का असर नहीं दिख रहा है। लोगों में उत्साह है और लोग उत्साहित होकर मतदान कर रहे हैं। वैशाली में चुनाव जोरों पर है, लेकिन प्रशासनिक तैयारी पूरी है और प्रशासन का यह दावा भी है और जो दिख भी रहा है कि पूरी निर्भीक होकर के मतदान केंद्र पर आए और निष्पक्ष रूप से मतदान करें। हमारे साथ अधिकारी हैं जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं क्या स्थिति है और किस तरह की तैयारी है सर। हम लोगों की तैयारी बिल्कुल मुकम्मल तैयारी है। हर बूथ पर काफ़ी फोर्स दिया गया है, PCCP हो या फिर स्टैटिक हो, चारों तरफ से फोर्स चप्पे चप्पे भरा हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। स्वच्छ मतदान कराना हम लोगों का उद्देश्य है और वो स्वच्छ मतदान चल रहा है। कुछ नक्सल प्रभावित भी बूथ चिन्हित किए गए हैं, उस सबको लेकर क्या तैयारी? हाँ, नक्सल प्रभावित जो बूथ चिन्हित किए गए हैं उन पर हम लोगों ने CAPF की प्रतिनियुक्ति की है और वो लोग काम कर रहे हैं। नक्सल प्रभावित बूथ की बात करें तो 3 विधानसभा क्षेत्र है, साहेबगंज, पारू और मीनापुर, जो पूरी तरह से नक्सल प्रभावित चिन्हित किया गया है। वहां पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ही मतदान होगा, लेकिन प्रशासनिक तैयारी पूरी दिख रही है और लोकतंत्र पर के इस महापर्व में कहा जाए तो बुलेट पर भारी है बैलेट और लोगों में काफ़ी उत्साह दिख रहा है और प्रशासनिक भी तैयारी है। अभी तक किसी प्रकार की कोई हंगामे वगैरह की सूचना नहीं है और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। मणिभूषण शर्मा, बिहार तक, वैशाली।